हाँ खुद ब खुद लगे आला है, खजाने पे से आया तू? हाँ खजाने पे से वाला हूँ मैं। कहाँ है खजाना? गांव के अंदर है, घर के अंदर है, खेत में? कहाँ है? हाँ घर के अंदर है। जोर से बोल, घर के अंदर। जोर से, कहाँ है वो खजाना? कहाँ है वो खजाना? घर के अंदर। नए घर में, पुराने घर में? पुराने घर में। अच्छा कितने फीट पे है? छोड़ते नहीं तुझे अभी, पूरा बोल कितने फीट पे है? ताहिरा को लेकर जाने का था साथ में। हाँ हाँ का नाम क्या इनका? ताहिरा भी का क्या लिखा था जादू करते वक्त? क्या लिया था? बाल, चप्पल, मट्टी, कपड़ा क्या लिया था? हाँ खुद ब खुद लगे आला है, खजाने पे से आया तू? हाँ खजाने पे से वाला हूँ मैं। कहाँ है खजाना? गांव के अंदर है, घर के अंदर है, खेत में? कहाँ है? हाँ घर के अंदर है। जोर से बोल, घर के अंदर। जोर से, कहाँ है वो खजाना? कहाँ है वो खजाना? घर के अंदर। नए घर में, पुराने घर में? पुराने घर में। अच्छा कितने फीट पे है? छोड़ते नहीं तुझे अभी, पूरा बोल कितने फीट पे है? ताहिरा को लेकर जाने का था साथ में। हाँ हाँ कौन बोला था ले जाओ? तू दिल से ले जा रहा था उसको? हाँ चलो इसको बन के डालो, इसको जकड़ लो, चल सब याद करके अगली बार कहाँ है क्या दास्तान है सब बयान करना। जकड़ो, छोड़ते नहीं भी, छोड़ते तो नहीं। अरे बाबा बहुत सुंदर हो रही। कितना है? एक भांडा, दो भांडे, रंजन क्या है वो? हाँ क्या है वो? भांडा है, रंजन है, कलसी है, क्या है? दिक्षी है। हाँ देखची है। पीला है सफेद है देखची के अंदर? पीला सफेद है। पीला सफेद दोनों है। कितने किलो है अंदाजा? हाँ 50 किलो। 50 किलो के करीब है। चलो इसको बन के डालो और जा अगली चक्कर तक सब याद करके आ। ताहिरा भी पे जादू भी किसने करे थे? मरत पे भी उसके किसने करे? तू कहाँ से पकड़ा था इसको? क्या दास्तान थी? क्यों पसंद आई? सब आके बयान करना दूसरी चक्कर में। चलो इसको बन के डालो जब तक। अरे ताहिरा भी पानी पियो। ये जो मसला है तो वो उस वो बयान कर रही बला कि उन्हें खजाने पे की है एक्स वाई जेड, कहाँ दफीना है वो उनके पुराने घर के अंदर। क्या है घर है क्या तुम आप दो? जोर से बोलो, जबान पेट में गई क्या? मतलब पुराना घर रहते ही आज यूं फ्लैट लिए वाला है। अच्छा पुराना घर कितना पुराना है वो? बहुत पुराना है। कितना है फिर भी? अब्बा के जमाने से। कभी तुमने छेड़े थे क्या वहाँ? कुछ कदम खरी करे थे क्या? तो वो कुछ तो भी वाला जो है उसका ऐसा कहना था कि वो वहाँ पर खजाने पे का एक्स वाई जेड साथ में ले जाऊंगा। अभी और भी बलाएं जादू के बारे में जो भी अलग अलग छोड़े आले वो सब आगे के चक्कर में पूछेंगे। उसके साथ यहाँ और कितने तंत्र मंत्र किसने करे आला है वो सब अलग है, और ये सब मिलकर सब प्लस हो गया आला है। और कब जान लेने वाला था, क्या लेने वाला था, वो आगे तफसील में पूछेंगे। अभी सरसरी मुताल्ला एक ट्रेला बता दिया मैंने, इसलिए कि उनको भी समझ में आना क्या रहता है, कैसा रहता है। वक्त आने पे सामने सब लाके पूछाते, उनके दूसरे भी पेशेंट है पीछे बैठे वाले, उनके भी इसमें कुछ है शय, उसको भी मैं अभी हाजिर कर रहा था, मगर उसको मैंने अभी हाजिर करने से रोका। वो आगे लूंगा सब तफसील में, क्योंकि जंजीरा डाल के जब जकड़ूंगा तो उसके बाद सही तरीके से सवाल जवाब करने में आसानी रहेंगी और सही सही जवाब करेंगे बलाएं। बाकी मौका रहेंगे तो कुछ भी तुम्हारे सामने बोल सकते हो। और मेरे को तो सब मालूम रहता हूँ क्या बोलने वाले हैं क्या नहीं। उनको विश्वास तो मैं बोलता हूँ ना, सही बोल सही बोल, मैं सब गलत नहीं बोलने देता। मैं गलत बोला भी उस जबान का तरने लगाता हूँ। और बहुत सारे बातें हैं दफीने को चक्कर में, लोगों तुम जाओ मत, तुम कुछ छोटे मोटे इलाज वाले लेके जाते हैं फंसा देते, उनको कुछ आता नहीं करने, लालच में जाते, लालच बुरी बला।
फंस के सब पड़ जाते। इसलिए जहाँ अल्लाह वाली ताकत है, जहाँ बड़ी ताकत है, जिसके सामने शैतान थर थर करता, जिसके सामने शैतान गिड़गिड़ाता, वैसी ताकत के अंडर में तुम रह के इलाज करेंगे तो फिर क्या बलाएं उसके सामने डिमांड कर सकेंगे? बला कुछ भी नहीं मांग सकते हो, एक नींबू भी नहीं मांग सकते। वो बोलते कि हमारी जान बख्श दो, उन्हें सबको पकड़ के कैद कर देता और कैद करके वो सब माल लेके गरीबों में बांट देता। ये सब तरीके रहते। बाकी तुम मनमानियां करेंगे, अपने दिल से जाएंगे, नीम हकीम खतरे में जान बोले अल्लाह वैसा तुम हरकतें करेंगे, छोटे मोटे आमिलों को लेके खेलेंगे, तो फिर छोटे मोटे आमिला तो पूरा बर्बाद कर देते इंसान। समझता नहीं बेचारों को, दो बातें सी क्या नहीं रहते, दो बातों में जुड़िया मारते रहते, मार पड़ी फटके पड़े, सबसे पहले उन्होंने भाग जाते, तुम फंस जाते। तो बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें हैं। तो इसलिए मैं इन सब बातों से लोगों को आगाह करता हूँ। खजाना दफीना माल यकीनन है, नहीं है बोल के नहीं, जमीनों में बोलो लोगों, आज से बैंक की बुनियाद गिरी होंगी 100 साल पहले, 70 साल पहले तो बैंक भी नहीं था, 40 साल पहले तो बैंक का ऐड देते थे, अरे हमारे बैंक में पैसे रखो, SBI में आओ पैसे रखो, देखो ऐडा पुराने निकाल के। और 100 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। तो 100 साल पहले, हाँ बैठ सकते, बैठ जाओ पीछे। 100 साल पहले जो है तो जमीन के अंदर उससे दुनिया बनी, जब से लेके तो 100 साल बैक तक लोग जमीन के अंदर अपना हिस्सा रखते थे, जो भी था माल। आज भी तुम्हारे पास में अगर अनलिमिटेड पैसा है, दौलत, दौलत नोटों को नहीं बोला जाता लोगों, अल्लाह ने फरमाया दौलत, दौलत हमने सोना चांदी, दौलत हमने तुम्हारे वास्ते हीरा मोती बनावा लिए, और यकीनन दौलत सोना चांदी और हीरा मोती ही है अल्लाह ने रखे अली। तुम बोलेंगे ऐसा कैसा भाई, दौलत तो हमारे नोटों के टुकड़े भी है, नोटों के टुकड़ों की हैसियत क्या है? तो प्रधानमंत्री ने इससे पहले बता दिया था नोटबंदी करके, नोटबंदी करने के बाद पता चल गया था ना तुम्हारा नोट की हैसियत तमाम हो गई थी। सोने के सिक्के अगर रहते थे, चांदी के सिक्के, वो तो बरोबर चलते थे, वो ओरिजिनल दौलत है, हीरा ओरिजिनल दौलत है, मोती ओरिजिनल दौलत है। ये जो अल्लाह ने जिसको दौलत बनाया वो खयामत तक दौलत रहेंगी। तुम कागज के टुकड़ों को दौलत बना के खेलेंगे तो यकीनन किसी हद तक काम करेंगे, बाद में रद्द हो जाते हो। सोना चांदी दुनिया के कोई भी कोने में ले जाके तोड़ो, उसका वैल्यू वही रहेगा, क्योंकि वो अल्लाह ने दौलत बनाई वाली। और हमने जो दौलत बनाए कागज के टुकड़े, तो एक बाउंड्री टेरिटरी को पार करके दूसरे टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए तो वो टुकड़े के चलते नहीं, टुकड़े बदल देना पड़ता। सोना तो दुनिया में हर जगह वैसे चलता, सेम चांदी भी, हीरे भी, जवाहरात भी वैसे चलते, तो वो रियल दौलत है। और वो यकीनन दौलत आज भी तुम्हारे पास, अगर कोई चीज सोने की शक्ल में, कोई इंसानों के पास में दौलत है, इंसानों के पास में समझो बहुत दौलत आ गई, तो उन्हें क्या करता, सोने में कन्वर्ट करता, हीरे में कन्वर्ट करता, बाद में जब उसके हीरे सोना चांदी बहुत हो जाते, तो आज भी लोग जमीन के अंदर ही गाड़ के रखते, कुछ परसेंट हिस्सा बैंक में रखते, कुछ परसेंट हिस्सा हाथ में घुमाने के लिए रखते पैसा, और बाकी कुछ जो चुरा लेगा, कोई छीन लेगा, कोई खा जाएगा, या उसके घर के लोग खा जाएंगे बोल के उन्हें क्या करता, औरत बच्चे कोई भी, तो इसलिए वो इंसान जमीन में गाड़ के रखता आज भी, तारीख गवाह है। तो ये फिर क्या होता मालूम है, फिर उसके बाद में तुम जमीन में गाड़ दिए ना बेटा, जमीन में गाड़ने के बाद 3 महीने के बाद में जिन्नात उस पर कब्जा कर लेते आके, सोना चांदी हीरे जवाहरात अगर रहे तो। कागज के टुकड़ों पर नहीं करेंगे, कागज के टुकड़े गाड़ के रख के फायदा भी नहीं है, बाद में वो खराब हो जाएंगे। कागज के टुकड़ों को दिमक खा लेती, कागज के टुकड़ों को तुम्हारे कोई और जीव जंतु खा के या मट्टी खा के खराब कर देती। बाकी तुम्हारे सोने को मट्टी नहीं खा सकती, चांदी को मट्टी नहीं खा सकती, तुम्हारे हीरे को मट्टी नहीं खा सकती, मोती को मट्टी नहीं खा सकती। खुदा की कुदरत रियल दौलत जो है तो वो रियल ही दौलत रहती। और दूसरी बात, बहुत सारे राज है, बाकी तुम जमीन में गाड़ के रखने के बाद उस पर जिन्नात आके कब्जा कर लेते, हीरे के जिन्नात, और बोलते कि हमारी चीज है, ये हमारी है, ये हम इसके मालिक है, क्यों बोल के कब्जा करके बढ़ जाते आके एरिए का, जो भी एरिए का कबीले का मेन रहेगा जिन्नात का, उन्हें हुकुम देता जाओ वहाँ पे, 2-3 को लगा देता, बढ़ जाओ अपना माल है। फिर बाद में तुम खोदने गए कि तुम मारता फटके, फिर हमले होते, बहुत सारे राज उसके अंदर। तो इसलिए बड़ा बंदिश वाला तुम्हारे साथ में रहना, और बड़े बंदिश वाले को लेके जब तुम कतरेंगे तो उसके सामने कोई जिन्नात का बादशाह कोई नहीं आते, सब थर थर कांप के भाग जाते। सब बोलते कि नहीं यहाँ जाएंगे तो उन्हें पकड़ के बाटल में डाल देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, नहीं तो पकड़ के कैद करा देंगे, समंदर के अंदर के तहखानों में डालने लगा देंगे, कैद खानों के अंदर, समंदर के अंदर, नहीं तो चौथे आसमान पे अल्लाह की दुआ करा के भेजने लगा देंगे कैद करा के। बहुत सारे राज है, तुम्हारा क्या मालूम, कहीं नहीं सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खजानों को, शैतानों को छेड़ना नहीं, तो कोई इलाज वाले की बस की बात नहीं, शैतान को छेड़ना, खजाने को छेड़ना। तुम शैतान को अजीब से अरे भी बोल दिए, जिन्नात को तुम्हारे घर पे आके हमला करता बाद में, तुम्हारे बच्चों जहां अल्लाह चुनता तो वहां अल्लाह ऐसी फौज देता और ऐसी ताकत देता कि उसके सामने नजर में नजर नहीं मिला सकते शैताना, नजर में नजर मिला तो आग लग जाती उनके अंदर।
ऐसे गिड़गिड़ाते और माफी मांगते, माफ कर दो गलती हो गई। वो कैसा जलाल वो इबादत का, वो अल्लाह देता, वो अल्लाह को मालूम। तुम बाल से बारीक बातें पढ़ेंगे तो तुमको पता चलेगा, नहीं तो भाई तुम कहाँ समझ सकेंगे ये सब बातें। मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं समझ सके बहुत सारे बातें, खिज्र अलैहिस्सलाम पे क्या क्या राज उतरता था। सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं समझ सके, आसिफ बिन बरकिया ने तख्त कैसा हाजिर कर दिए थे और कैसा उठ के खड़े हो गए थे, तो फिर तुम कहाँ से राज जान सकेंगे। तुम्हारी हैसियत है कि तुम्हारी औकात है, तो तुमको बहुत इल्म का हासिल करने के बाद भी तुम नहीं जान सकते। जहाँ अल्लाह तुम पे राज खुलेगा वहीं खुलता, बाकी नहीं खोल सकते तुम अपने मर्जी से। इसलिए कुरान बहुत बड़ा तोहफा दिया अल्लाह ने तुमको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको। इसलिए सब कुरान सुनो, सुरान कुरान को पढ़ सकते तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सुनो, बजाओ घर के अंदर सूरह बकरा, सूरह यासीन, सूरह मुजम्मिल, सूरह जिन, सूरह वाकिया, जो बजा सकते बजाओ। सुबह सुबह अगरबत्ती के साथ में घर को झाड़ू मार के पाक साफ करके, तो निगेटिविटी जो बुरी ताकतें हैं, जो काली शक्तियां हैं, तुम्हारे घर से निकल के भागती। और रहमत वो ईश्वर, उसका से नाम अरबी में अल्लाह है, उसको इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, उसको मराठी में और संस्कृत में ईश्वर बोलते हैं, और उसको उर्दू में खुदा बोलते हैं। तो उससे तुम उसके तरफ से फिर रहमत तुम पे नाजिल होंगी, फिर क्या पता वो सुनने की बरकत से अल्लाह तुमको दीन और दुनिया की दौलत से भी नवाज देगा, तुम्हारे सारे परेशानियां भी दूर कर देगा। तुम देखो तो सही, सुनो तो सही, बहुत सारे बातें, बहुत सारे राज अल्लाह का इन्हें सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, समझो। और शैतान जिना तो वो इंसानों की बस की, आम लोगों की बात नहीं रहती छेड़ने की, छेड़े तो बेटा फिर वो तुम्हारा बहुत बुरा आलम करते, कहीं से भी घेर के हमले करते तुम्हारे पे। बाकी पढ़ो ना, तुमको पता चलेगा ना, हदीस पढ़ो जरा, कौन से सहाबी थे वो जिनको आके जिन्नात तीर मार के पहाड़ों में भाग गया था और बाद में बोला मैंने मेरा बदला ले लिया था बोलकर अलडाते भाग गए थे वो। तुम्हारे को बहुत सारे राज मैं नहीं बोल सकता उतने खुल के, बट इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जैसा बताया उसे अमल करो। दिल से मर्जी से तुम करेंगे तो मर्जी से कुछ नहीं होता, फिर तुम मर्जी से करने जाएंगे तो खड्डे में गिर जाते, खड्डे में गिर तुम्हारे को मट्टी गिर जाती, रफा दफा हो जाते तुम। इसलिए बेहतर है जैसा तुमको पता है उसको फॉलो करो, सही तरीके से अमला करो, तो तुम महफूज रहेंगे, बाकी किसी का कुछ नहीं रहेगा। खजाने को कभी भी छेड़ना है बड़े उस्ताद को लाना, जिसके सामने शैतान सा थर 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 करते, वो ही उस्ताद शैतान को खजाने पे पकड़ सकता, वही शैतान उसके सामने थर थर करके माफी मांग के भाग जाता। बाकी तुम लेंगे छोटे मोटे इलाज वाले को, दुआ पानी देने वाले को, अबे दुआ पानी तुम भी दे सकते बे, कोई भी दुआ पानी दे सकता, अल्लाह के कलाम है, ऊपर से कैसा लेंगे शैतान होना तुम्हारे पास में, रुआ का मिले वाला फौज होना, बहुत सारी चीजें होना जब टक्कर ले सकते। बाकी तुम ऐसा छोटे मोटे इलाज वाले के चक्कर में जाएंगे, उन्हें खुद की बंदिश आती नहीं, उसको करना तुम्हारे जाके क्या बंदिश करेगा। बंदिश उसको बोलते हैं शैतान सामने से गिड़गिड़ाना मगर हल नहीं सकना, वो इसी बंदिश रहती। देखो लाइव में समझ में आएगा बहुत सारे बातें, फिर वैसे उस्ताद के अंडर में तुम इलाज करेंगे, वैसे उस्ताद के अंडर में तुम खजाने ये सब ऐसी चीजों को छेड़ेंगे, तो फिर तुम महफूज रहेंगे, तुम्हारा खजाना भी निकलता, तुम खा भी सकते उसको, लोगों को गरीबों को बांट भी दे सकते सबको रफा दफा। और तुम आए खुद जाएंगे जाके खोदेंगे तो कब तुम्हारी मुंडी तोड़ेगा, कब तुम्हारे कंबर के मन के तोड़ेगा, कब तुम्हारा गर्दन के मन के तोड़ेगा, वो शैतान बोल नहीं सकते फिर, क्योंकि उसको पावर है ना, और उसको रोकने वाला कौन है, मोकाट जानवर के जैसा है, जंगली जानवर के जैसा हेला भागते जा रहा मोकाट, उसको पकड़ने वाला थे नथनीतने डाले उसको तो कितना धिंगाने मचेगा, और जब उसको नथनी डालने वाला तो कैसा करता फिर उन्हें सामने थर थर उसके, तो ऐसा रहता मोकाट जानवर के जैसा शैतान को जाके तुम छेड़ रहे, मार खा के पड़ रहे तुम जमीन पे, किसका क्या देना। तो इसलिए मैं बार बार तुमको बताता हूँ कि जो तरीके रहते इबादत की रस्सी को तो सबसे ज्यादा थाम लो, इबादत की रस्सी को थामेंगे तो तुम महफूज रहेंगे। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें, मैं तुमको क्या बोलूं, मैं बयान नहीं कर सकता तुमको। और तुम बोलेंगे कि ऐसा कैसा भाई खजाना, मेरे पास में एक शख्स आया था, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, मगर उस शख्स ने कहा था कि मेरे घर के अंदर हमारे घर के जेवर हमने गाड़ के रखे थे माँ के, उसके एक्स वाई जेड, पोतरों को मालूम था दादी ने कहाँ जेवर गाड़ के रखी, पोतरे छुट्टी में दादी के पास गए वाले थे, दादी ने डब्बे में जर्मन के जेवर डाली उसको जमीन में गाड़ दिया। वो कितने जेवर थे तो नहीं बोलूंगा, मगर जो भी थे वो हिंदू का वो था, वो एक्स वाई जेड देशमुख इंसान, वो आया था मेरे पास में और बहुत बड़ा ऑफिसर था। तो बोले ऐसा कैसा सर, बोले मेरे माता जी ने रखे थे, बोले बाद में क्या होगा माता जी मर गई, हमको नहीं मालूम घर के अंदर, उन्होंने पुराने घर के अंदर गाड़ के रखे, वो दो छोकरों को मालूम था दोनों क्या करे। बोले मेरे बेटे पापा कार दिला के दो, पापा मोटरसाइकिल दिला के दो, तो मैं बोला भाई नहीं दिला के देता, तुमको दिला के दूंगा तो तुम्हारा कॉलेज पूरा खराब हो जाएगा, तुम नहीं पढ़ेंगे। छोकरों ने क्या करे, रात में से राय करे और चले गए, उनको मालूम था ना कहाँ दादी ने गाड़ के रखी थी, साथ में जाके वहां खोद रहे थे। बोले एक बेटा खोद रहा था, एक बेटा मट्टी निकाल रहा था, जो खोद रहा था जैसा डब्बे की कोर लगने थी दो चार समझो मारा कुदाले की जगह पे वो लड़का मर गया। मैं उन्हें पूछ रहा मेरा कैसा मर गया डॉक्टर साहब, ऐसा कैसा, तुम इल्म के जानकार है बताओ ये ऐसा कैसा होगा, हमारे को घर का रखे वाला था माल और दूसरा जगह पे पागल होगा ऑन द स्पॉट वो जो मट्टी निकाल रहा था। तुम्हें बोला कैसी बात है, तुम गाड़ के रख दिए
मगर कुछ महीने बीत जाने के बाद में वहां जिन्नात कब्जा कर लेते आके, बाजू की शैतान ना बलाएं खींच के आके वहां बढ़ जाते। जैसा दौलत तुमको प्यारी है, जैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात तुमको प्यारे है, वैसे तीनों जिन्नात को सोना चांदी दौलत प्यारी है। उन्होंने भी दौलत वैसा जब तक तुम्हारे जैसा। पानी के जिन्नात अलग है, हवाई के जिन्नात अलग है, और जमीन के जिन्नात अलग है। तीनों को भी पसंद है वो सोना चांदी हीरे जवाहरात, जैसा तुमको पसंद है वैसा सेम सेम। तुम्हारा कोई छीन के ले जा रहा, तुम कैसा करते हो, मेरे हीरे ले जा रहा, मेरा सोना जा रहा, मारो इसको, तो वैसा चुनू भी करते हरकत। और मैं बोला उन्होंने बच्चों पे हमला करके पागल कर दिया। तुम्हारे घर का कैसा माल रहो, तुमने जमीन में डालने के बाद तुम्हारा नहीं रहता ना, उस पर हक उनका होगा, तुम्हारा को उसके बाद छुड़ाना पड़ता ना वहां से बंदिश करा के। तो इस तरीके रहते, बहुत सारे राज रहते, अपने अपने हिसाब से मनमानिया करने जाएंगे तो किसका क्या गा। उनका एक बच्चे की जान चलेगी, खोदने वाली की जगह पे बोल रहे सुना रहे रो रो के, और एक बच्चा पागल होगा, लेके आए मेरे पास पागल को राइट करो, तो ठीक है मैं बोला उसको राइट करा दूंगा इंशाल्लाह, दुआ करा के अल्लाह के हुक्म से। मगर ये ऐसे हरकतें रहते लोगों, तुम बचो ये चीजों से। तुम जाएंगे यार सोला, तुम्हारा क्या मालूम नहीं सांप का मंत्रण बिल में हाथ डालेंगे काट देगा ना वो, फिर बटो बूम मारते हुए किसका क्या जाएगा। बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हैं, सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, कहावत ना पहले की, तो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहूंगा, इन शॉर्ट में बता दिया। अल्लाह कहीं सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे? चाकुर से। कहाँ था वो चाकुर? जिला लातूर। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो खैर, चलो